चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारी बहनें और भाई इकट्ठे होंगे तो अपनी बात मंचों पर कहेंगे, इस वजह से जो है भगत सिंह का सपना हम लोग पूरा करेंगे। और ये फर्क अब भी ये खत्म नहीं हो पा रहा है, तो आरक्षण का तो हमें लग रहा है कि अभी इतना हम लोगों को असर देखने को नहीं मिला है। महिलाओं की जो स्थिति देख रहे हैं वो आज भी बंदिशों में है और महिलाओं के ऊपर हिंसाएं लगातार हो रही है। भगत सिंह जी ने सोचा था, बाबा साहिब ने सोचा था लेडीज के लिए, क्या वो अमर है अभी भी? सीसीए में आपका स्वागत है। हम अभी सहारनपुर शहर में हैं और आज शहीद आजम भगत सिंह की जन्मतिथि पर एक यहाँ पर विचार गोष्ठी हुई थी, जहाँ अलग अलग प्रगतिशील संगठनों से लोग आए हैं। यहाँ पर पश्चिम यूपी के अलग अलग प्रगतिशील संगठनों से बहुत सारी महिलाएँ भी आई हैं, महिलाएँ मेहनतकश परिवारों से, बहुत सारी महिलाएँ जो अलग अलग महिलाओं के भी सवाल से और बाकी मुद्दों पर भी संघर्ष करती आई हैं। हमारी कोशिश है कि आज के प्रोग्राम के बारे में और दरअसल आज के दौर में भगत सिंह को लोग कैसे याद करते हैं, भगत सिंह के बारे में आज उनकी जन्मतिथि पर क्या बातचीत और समझदार हुई, लोगों की समझदारी है, उस पर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। जी आपका नाम? जी मेरा नाम तो मुकेश है। जी मुकेश जी कहाँ से हैं? मैं सुल्तानपुर चिलकाना गांव, मेरा सीकरी खुद है। मैं दिशा सामाजिक संगठन से जुड़ी हुई हूं और उसमें कार्यरत हूं। मेरे पास 10 गांव हैं जिसमें मैं महिलाओं के साथ काम करती हूं। ठीक है, तो ये बताइए मुकेश जी कि आज भगत सिंह की जो जन्मतिथि पर सारे साथी यहां पर आप लोग आए हैं, क्या आपको लगता है कि आज के दौर में हम भगत सिंह के जो सपने थे, खास करके आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, भगत सिंह का जो एक आज़ाद भारत को लेकर जो एक सपना था, उसके हम कितना या करीब जा रहे हैं या दूर जा रहे हैं, कहाँ पर आज हमें? जैसा आप बता रहे हैं कि जो भगत सिंह का जो सपना है उसे हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उससे हम दूर जा रहे हैं, क्योंकि हमें सबको मिलजुल कर लड़ना होगा, एकता करनी होगी, जब ही हम भगत सिंह के सपने को पूरा करेंगे। तो आपको लग रहा है कहीं एकता टूट रही है आज? हाँ जी टूट रही है। क्यों टूट रही है ये एकता? क्योंकि जो हमारे मजदूर भाई हैं या बहनें हैं वे इकट्ठा नहीं हो पा रही हैं, अपनी बात नहीं कह पा रही हैं, कहीं भी जाके देख लो, क्योंकि जब हमारी बहनें और भाई इकट्ठे होंगे तो अपनी बात मंचों पर कहेंगे, इस वजह से जो है भगत सिंह का सपना हम लोग पूरा करेंगे। वंचित समाज, इस समाज, हमारे समाज में बहुत सालों से महिलाएं भी रही हैं, आज भी हैं, वही मैं कह रहा हूँ, कई सालों से रही हैं और आज भी हैं। संसद में तो बात हो रही है कि महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, लेकिन क्या ज़मीन पर आप कुछ फ़र्क देख पा रहे हैं कि क्या महिलाओं के लिए चीज़ें बेहतर हुई हैं या ख़राब हुई हैं, खास करके जो मेहनत सरकश समाज से जो महिलाएं हैं? जो महिलाओं के साथ जो आरक्षण हुआ है उसमें कुछ तो है जी, और महिलाएं आगे भी बढ़ी हैं, जैसे प्रधान का इलेक्शन है, मेंबर का इलेक्शन है, उसमें भी महिलाएं आगे लड़कर आई हैं और उन्हें जो है महिलाओं को उनके हक और अधिकार के बारे में महिलाएं जागरूक कर रही हैं। जैसे हमारी मजदूर बहनें हैं, उनका जो काम करने का नज़रिया है वो अपने मेहनत करती हैं गांव में जो है, और उनकी जो मजदूरी है उनकी मजदूरी 200 रुपये 150 रुपये न्यूनतम है, उनकी मजदूरी ऐसे जैसे पुरुष की मजदूरी 500 रुपये है तो उनकी महिलाओं की मजदूरी 400 रुपये होनी चाहिए। अगर हमने काम कर लिया खेतों में उनकी मजदूरी समय पर नहीं मिलती। साथी ने बताया कि वाकई आरक्षण मिलना ही सब कुछ नहीं है, जो हम लोग शुरू से देख रहे हैं अब भी वही फ़र्क हम लोगों को मजदूरी में महिलाओं और पुरुषों के में नज़र आ रहा है, जो आज से काफ़ी साल पहले देख रहे थे कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा मेहनत कर रही हैं खेती में भी सब जगह, लेकिन क्या हो रहा है उनको बराबरी का, चाहे वो दर्जा हो चाहे उसमें उनका वेतन हो या मजदूरी हो, वो आज भी बराबर नहीं मिल रही हैं, और ये फ़र्क अब भी ये ख़त्म नहीं हो पा रहा है। तो आरक्षण का तो हमें लग रहा है कि अभी इतना हम लोगों को असर देखने को नहीं मिला है। तो ये मैं ज़रूर आपसे एक सवाल पूछूंगा, आज हम शहीद आज़म भगत सिंह के जन्मतिथि पर सब लोग यहाँ मिले हैं, अलग अलग संगठनों से लोग आए हैं, अलग अलग साथी आए हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कितना आपके हिसाब से हम कितना मतलब आने वाले दिनों में क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत और आज़ाद हिंदुस्तान कहीं ना कहीं क्या उनकी सपनों की तरफ जा रहा है या उससे और दूर ही जा रहा है? नहीं अभी तक अगर देखा जाए तो अभी तो बहुत समय लगेगा हम लोगों को, जो उन्होंने सपना देखा था, जो आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी है और हमारे बाकी साथियों ने इतना बलिदान दिया है इस देश के लिए, तो वो अभी तो उसमें काफ़ी साल लगेगा, अभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि जो सपना उन्होंने देखा था उसमें साकार होने वाला है, क्योंकि अभी ये लड़ाई हम लोगों को और लड़नी है। जैसे हमने बताया कि अलग अलग संगठनों से अलग अलग
पश्चिम यूपी के अलग अलग इलाकों से, मेहनत कश परिवारों से ज़्यादातर, खासकर की महिलाएं भी भारी संख्या में आई हैं। आइए इनसे भी अभी बात करते हैं, यहाँ जो महिलाएं आई हुई हैं। जी कौन बात करेंगे आप में से? सोनिया जी? हाँ आप सोनिया जी हैं जी। जी सोनिया जी, आज आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, क्या कारण था आपके हिसाब से? आज सरदार भगत सिंह जी का जन्म दिवस था, उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पर सभी आए हैं और हम अस्तित्व सामाजिक संस्था से हैं। हम महिला हिंसा पर काम करते हैं किशोरियों के और महिलाओं के बीच में। आपका नाम? मेरा नाम मोनिका है और मैं अस्तित्व सामाजिक संस्था से जुड़ी हुई हूँ। और जो शहीद भगत सिंह जी ने जो हमें आज़ाद कराने के लिए जो लड़ाई लड़ी, लेकिन आज जो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग हैं तो वहीं बंधे हुए हैं। जो उन्होंने हमें आज़ाद करने का जो सपना देखा, उन्होंने आज़ाद किया भी, उन्होंने हमारे लिए अपने वो शहीद भी हो गए, लेकिन जहाँ तक हम गांव में देख रहे हैं, महिलाओं की जो स्थिति देख रहे हैं वो आज भी बंदिशों में है और महिलाओं के ऊपर हिंसाएं लगातार हो रही है। मोनिका जी एक चीज़ बताइए, आप कह रहे हैं लगातार महिलाओं पर हिंसाएँ बनी हुई हैं, महिलाओं पर हिंसाएँ बनी हुई हैं और जो एक लिंग भेद हमारे समाज में है वो आज भी एक शोषण जो है, एक भेदभाव जो है, आप कह रहे हैं वो बना हुआ है। मैं आपसे थोड़ा सा एक और भी मोनिका जी सवाल ज़रूर पूछूंगा। आप महिला हैं, महिलाओं को संगठित करने का भी काम कर रही हैं। आज के दौर में अगर हम देखें कि भाई कुछ सरकारें आई थीं, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, इस तरह के वायदे किए गए थे, कहीं ना कहीं ऐसा अच्छे दिन के जो सपने दिखाए थे उसमें ऐसा लग रहा था कि नारी शक्ति और इन सारे मुद्दों पर बहुत कुछ काम होने वाला है। ऐसा लगा था कि भई कहीं ना कहीं जो भगत सिंह के सपनों का भारत था वो सच होने वाला है। लेकिन एक महिला कार्यकर्ता होने के नाते आपका इस पिछले 9 साल का अनुभव क्या रहा है? मेरा एक अनुभव है कि मोदी सरकार ने जितने भी वायदे किए, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं भी उस पे हैं, क्योंकि भगत सिंह जी ने जो हमें आज़ाद कराने के लिए, उनको तो कहीं भी कोई भी याद नहीं कर रहा है ना। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हम उन्हें याद करने के लिए, लेकिन जो सरकार के द्वारा हमें एक धर्म के रूप में कि हाँ हमें धर्म की ज़्यादा, धर्म के प्रति ज़्यादा जागरूक किया जाए कि धर्म है, लेकिन उन लोगों को तो हम लोग कभी याद ही नहीं करते। आज आप गाँव में जाके देखो क्या इस तरह का कोई उपलक्ष्य मनाया जा रहा है, जिन लोगों ने हमें आज़ाद कराने के लिए अपने आप को शहीद कर दिया, क्या वो उन लोगों को कोई गाँव में याद कर रहा है या कहीं शहर में? आज हम लोग यहाँ संगठन इस तरीके से जुड़े, जो जुड़ के हम भी शायद हमें भी उसके बारे में जागरूक नहीं थे, लेकिन हम संगठन से जुड़ के हम लोग जागरूक हुए कि हाँ इन्होंने भी हमारे लिए इतना कुछ किया, ही शहीद हुए और हम यहाँ इकट्ठा हुए। लेकिन जो सरकार की एक रणनीति है वो यही है कि वो धर्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है, और चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म या कुछ भी, तो धर्म के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो क्या धर्म के नाम पर, हमने ये तो देखा था कि भाई दंगों में आदमी लोग एक दूसरे को जाके ज़रूर मारते थे, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि आज धर्म के नाम पर औरतें भी बट गई हैं? जी बिल्कुल बट गई, बट रही हैं सर। बिल्कुल बट गई हैं। आपका नाम? सुमन देवी। सुमन जी, कैसे औरतें बट रही हैं और कितना नुकसान हो रहा है औरतों का इसकी वजह से? देखिए सर, जो है औरतों पर जो है जुल्म ज्यादा जो हो रही हैं, तो इसलिए औरतें घर से बाहर निकलती भी डरती हैं और एक दूसरे का सहयोग नहीं करती हैं, फिर वह दुबक्का घर में रह जाती हैं, इसलिए औरतों पर जुल्म ज़्यादा बढ़ रही हैं और इसीलिए औरतों में एकता नहीं रह रही है, क्योंकि धर्म के नाम पर बढ़ते हैं। धर्म के नाम पर बढ़ते हैं क्योंकि हिंदू मुस्लिम, इस सरकार का मुद्दा है हिंदू मुस्लिम करना और वोट की राजनीति करना। तो क्या यहाँ पर सब हिंदू मुस्लिम महिलाएं दोनों हैं? बिल्कुल। तो आप लोग नहीं बटे आपस में? नहीं बटे। अच्छा, हमारी एकता है ना, आपकी एकता बनी हुई है। जी मैं कहना चाहती हूँ कि जो शहीद भगत सिंह जी ने मतलब महिलाओं के लिए आज़ादी और ये सोचा था कि मेरी महिलाएं भी मतलब सुरक्षित रहें, और ये भी पर हम देख रहे हैं गाँव गाँव में जाकर काम करते हैं और वैसे भी महिलाओं के साथ रहते हैं, पर मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कहीं महिलाएं सुरक्षित हैं, देश में बाहर निकलती हैं या घर में। लड़कियों पर पाबंदी इतनी है घर में, मतलब घर वाले डरते हैं उन्हें बाहर निकालने की वजह से कि समाज अच्छा नहीं है, लड़कियों को बुरी नज़र से देखा जाता है, भेदभाव आज भी है। पर क्या जो भगत सिंह जी ने सोचा था, बाबा साहिब ने सोचा था लेडीज़ के लिए, क्या वो अमर है? अभी भी कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता। पर आपको नहीं लगता और आप तो कह रहे हैं कि सुरक्षित भी नहीं महसूस कर रही हैं, लेकिन बार बार यहाँ तो प्रचार ही सरकार इस बात पर करती है कि यूपी को हमने सुरक्षित बना दिया। नहीं नहीं सर, सरकार झूठे हैं, सरकार झूठी है, सरकार के वादे झूठे हैं। सर लड़कियाँ हैं मेरे साथ की, कुछ पढ़ भी नहीं पाती, उनके सपने बड़े बड़े हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल पाती, ये सब क्यों है? मम्मी पापा डरते हैं अपनी बेटियों के सपने पूरा कराने के लिए, वो चाहते हैं, बोलिए बोलिए, वो चाहते हैं कि अपनी बेटियों के सपने पूरे करें, वो लड़कियाँ चाहती हैं, पर ये समाज क्या कर रहा है?
आज बाहर निकलते हुए आज यहाँ बलात्कार हो गया, आज वहाँ बलात्कार हो गया, तो ये सुरक्षित थोड़ा ही है कुछ। आज़ाद भारत के लिए कई लोगों के बहुत खूबसूरत सपने थे, जैसे आज शहीद आज़म भगत सिंह की बात हुई और आपने अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भी बात करी, और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात बोली थी कि भाई किसी भी समाज की मैं उस समाज में किसी भी समाज में कितनी तरक्की हुई है मैं उसका असली मापदंड ये मानता हूँ कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की करी है। पारुल, आप एक नौजवान महिला हैं और एक नौजवान महिलाएं ही सही मायने में इस देश की तरक्की का एक मापदंड या एक भविष्य हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपकी आवाज़ में आप बताइए कि आज आपके हिसाब से इस सरकार में क्या गलत जा रहा है, कहाँ महिलाओं के लिए क्या गलत। आपने सुरक्षा की बात करी, क्या आपको लगता है कि आज इस जो हम माहौल देख रहे हैं जिसके बारे में भगत सिंह ने भी बात करी थी कि हिंदू मुस्लिम में लोगों को बांटा जा रही है, क्या आपको लग रहा है कि आज महिलाओं के बीच में भी उस तरह की धारणाएँ बन रही हैं? सर, महिलाओं को तो हम नहीं कह सकते, पर कुछ हैं महिलाओं के साथ में भी हट रहे हैं, क्योंकि जब जेंट्स मतलब हाथापाई कहीं राम के नाम पे, कहीं भगवान जी के नाम पे, कहीं अल्लाह के नाम पे, फिर जब जेंट्स हट रहे हैं तो फिर महिलाएं तो उनके साथ में है ना, महिलाओं के बीच में भी है ऐसा। तो ये जो हम आपस में एक समाज में तोड़ देते हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी राम के नाम पर, कभी अल्लाह के नाम पर ये सब हो रहा है, उससे महिलाओं का क्या नुकसान होता है? महिलाओं की एकता नहीं है फिर, एकता हट रही है। अगर एकता होगी, नारी मतलब एक साथ होगी, उनकी दमदार पावर होगी उनके साथ में, तो वो तो कुछ भी कर सकेंगी। अब महिलाओं को फटाकर कोई हिंदू में है कोई मुस्लिम में है, तो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना। सरकार की इस जातिवादी मानसिकता को चूर चूर करके रखेंगे, अपनी एकता बनाकर रखेंगे और अपनी एकता जिंदाबाद रखेंगे। SC ST OBC को कहाँ आरक्षण दिया, क्या दिया आरक्षण? आप महिला आरक्षण बिल की बात कर रहे हैं? महिला आरक्षण की बात करिए, महिला आरक्षण बात क्या बताओ, क्या दिया हमें SC ST OBC की महिलाओं को? मतलब आरक्षण के भीतर जो आरक्षण चाहिए था वो मिला नहीं, नहीं मिला है, तो इसका जवाब सरकार को अब 2024 में देंगे, वोट की चोट से देंगे। ये हम ये जो बार बार हम देख रहे हैं कि जो यहाँ की महिला साथी कह भी रही हैं कि जो खास करके वंचित समाज की जो महिलाएं हैं, आज हिंदू मुस्लिम की राजनीति की वजह से महिलाओं पर भी उसके बाद बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इस देश के इस टूटती हुई एकता को शायद मर्द तो ठीक नहीं कर पा रहे हैं। हम देख रहे हैं, उम्मीद यही है कि शायद महिलाएं ही हमको वो दिशा दिखाएंगी और एकता की एक राह दिखाएंगी। जुड़े रहें CCA के साथ।